अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार की यह मान्यता है कि चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला कोई क्यों न हो, उसके पूजा स्थल पर भी कहीं कोई आक्रमण होता है, उसके आस्था और विश्वास पर भी कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। यह हमारी सरकार की सोच है। हम यह मानकर चलते हैं कि घटना किसी के द्वारा हो जाए, लेकिन इस देश के संसद के एक सदस्य होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तरफ से यह भरपूर कोशिश करें कि इस हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज के अंदर एक सेंस ऑफ फियर डेवलप न करने पाए, बल्कि हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिए कि सेंस ऑफ फियर के स्थान पर हम सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उनके अंदर हम डेवलप करें। यह हमारी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए। लेकिन बैठ जाए। और अध्यक्ष महोदया, मैं बराबर यह देखता हूं, 4 महीने पहले की भी यदि कोई घटना हो, देश के किसी भी राज्य में यदि कोई भी घटना हो, तो जानबूझकर इस सदन में मामले को उठाए जाने की कोशिश की जाती है, ताकि एक कम्युनल डिवाइड की एक कोशिश है। बैठिए, अब सुनने की हिम्मत रखो। बैठिए प्लीज, आप बैठिए प्लीज, और आप बैठिए। यस, और ओनली गृह मंत्री का स्टेटमेंट जाएगा रिकॉर्ड पे, बाकी किसी को कितना भी चिल्लाने दो, सुनने की हिम्मत रखो। अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत होगी तो कभी भी मैं एक फुल फ्लेज्ड स्टेटमेंट के साथ इस सदन के समक्ष आ सकता हूं, और यह मैं बतला सकता हूं पहले कितनी यहां पर सांप्रदायिक घटनाएं घटित हुई हैं और कितनी बार चर्चेज पर अथवा अन्य धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थलों पर हमले हुए हैं, उसकी जानकारी मैं संसद को दे सकता हूं, ताकि सारा देश या अवगत हो सके किस प्रकार की घटनाएं किसके शासनकाल में सर्वाधिक होती है। जी ठीक है।